स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में फैशन। तो देखिए, फैशन कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, यानी कि जो फैशन है उसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। फैशन को लोग अपनी पसंद, स्वभाव आदि के अनुसार अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं। क्योंकि देखिए, हर एक व्यक्ति की जो पसंद होती है या सोच होती है या जो गारमेंट्स होते हैं उनका पहनने का तरीका, देखिए सबका अलग होता है। किसी व्यक्ति को कुछ और स्टाइल पसंद आता है, किसी को कुछ और स्टाइल पसंद आता है, यानी कि एक तरह की अलग शैली पसंद आती है वस्त्र की। तो हर एक व्यक्ति की पसंद अलग होती है। तो इसी तरह लोग अपने हिसाब से या अपनी अपनी पसंद से फैशन को परिभाषित करते हैं। तो इसको समझने के लिए विभिन्न शैलियों को समझना बहुत आवश्यक है। कुछ लोगों के अनुसार जब किसी समय, यानी कि एक लिमिट टाइम में कोई शैली बहुत से लोगों द्वारा अपना ली जाती है, यानी कि कोई ऐसा फैशन या कोई ऐसा डिज़ाइन या कोई ऐसा कलर जो ज़्यादा, यानी कि एक ऐसा डिज़ाइन जो ज़्यादा लोगों द्वारा, यानी कि एक बहुत ज़्यादा जो ग्रुप होता है या जो बहुत बड़ा समूह होता है, समूह द्वारा अपना ली जाती है, तो वो फैशन कहलाती है, यानी कि वो फैशन में आ जाती है। कि क्योंकि देखिए, अगर कोई भी एक गारमेंट या कोई भी एक स्टाइल ज़्यादा मार्केट में आ रहा है या लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है, तो क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर उसी फैशन को अपनाना चाहता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जब कोई ऐसा डिज़ाइन या कोई ऐसी शैली जो बहुत लोगों द्वारा अपनाई जाती है, पहनी जाती है, तो वो फैशन बन जाता है, यानी कि उसी चीज़ का ट्रेंड चलने लगता है, वही बाज़ार में आने लगता है। तो अनुसरण की गई या स्वीकार की गई पोशाक या व्यक्तिगत अलंकरण की शैली, यानी कि कोई ऐसा गारमेंट या कोई या कह सकते हैं या कोई ऐसी अलंकरण, यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु जो आपको या आपके शरीर को बहुत सुंदर दिखाती हो, अट्रैक्टिव दिखाती हो या आपको डेकोरेटिव बनाती हो, यानी आपको एक तरीके से सुंदर बनाती है, अलंकरण की शैली जो एक निश्चित समय में मौसम में स्थापित की गई है, यानी कि जो एक समय होता है फैशन का भी, एक निश्चित समय होता है, क्योंकि कोई भी एक फैशन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि फैशन का भी एक अपना समय होता है, यानी कि जब तक वो लोगों द्वारा अपनाया जाता है तभी तक वो फैशन रहता है। अगर लोगों द्वारा वो रिजेक्ट किया जाने लगता है, यानी कि वो अपनाया नहीं जाता, तो क्या होता है, वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है, यानी कि वो फैशन में नहीं रही चीज़। तो जो चीज़ मौसम में या निश्चित समय में ज़्यादा लोगों द्वारा पॉपुलर हो जाती है या ज़्यादा लोगों द्वारा अपनाई जाने लगती है, वो क्या होती है, वो फैशन कहलाती है। चाहे इसमें हमारी कोई डेकोरेटिव कोई चीज़ हो या हमें जिस ऐसी कोई चीज़ जो हमें बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाती है, चाहे इसमें कोई ज्वेलरी हो या इसमें कोई कलर हो या कोई भी ऐसी हेयर स्टाइल कह सकते हो या कोई भी गारमेंट जो बहुत लोगों द्वारा अपनाया जाता है एक निश्चित समय के लिए, वो फैशन कहलाता है। अब आता है एक फैशन साइकिल की, जब एक फैशन कहाँ से शुरू होता है और जो उसका कहाँ तक उसका अंत होता है। क्योंकि देखिए, एक कोई भी एक फैशन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होता, क्योंकि कुछ फैशन ऐसा होता है कि सालों साल तक चलता है। क्योंकि देखिए, हर एक फैशन की समय अवधि होती है। कुछ फैशन ऐसा होता है कि कुछ ही दिनों का होता है और कुछ दिन बाद वो आउट हो जाता है। कुछ फैशन इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है कि वो कई सालों तक कंटिन्यू चलता रहता है। तो एक फैशन साइकिल, यानी कि कहाँ से वो फैशन चलता है, कहाँ तक वो पूरे में फैलता है और किस किस तरह वो लोगों द्वारा अपनाया जाता है, फिर उसका किस तरीके से वो पॉपुलर होता है और फिर किस तरीके से उसका एक तरीके से फैशन आउट हो जाना या फिर वो लोगों के मनों से हट जाना उस फैशन का, या लास्ट में उसका एक तरीके का रिजेक्शन आने लगता है, यानी कि वो रिजेक्ट हो जाता है। तो फैशन साइकिल में क्या है कि किसी भी नए गारमेंट, स्टाइल, डिज़ाइन, कलर आदि का मार्केट में आना, देखिए फैशन में कोई एक लिमिट चीज़ नहीं होती। फैशन में हमारा कोई भी गारमेंट आ सकता है या कोई एक ऐसा स्टाइल
कि मान लीजिए कि इस स्टाइल के गारमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, कोई भी ऐसा कोई फैब्रिक में कोई स्टाइल ऐड किया जाता है या कोई ऐसा डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है हर फैब्रिक में हर गारमेंट में, या कोई कलर कि इस कलर का ज़्यादा गारमेंट आ रहा है मार्केट में, इन सभी का मार्केट में आना और उसका लोगों द्वारा अपनाया जाना और बाद में उसको ना पहनना, यानी कि पहले कोई फैशन आता है वो पसंद आता है लोग उसको बहुत खुशी से ख़रीदते हैं, फिर उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा अपनाया जाता है, यानी कि हर एक व्यक्ति देख करके दूसरा व्यक्ति भी उसको ख़रीदने लगता है, फिर बाद में जब वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है या हर एक व्यक्ति के पास अवेलेबल हो जाता है यानी हर एक व्यक्ति ख़रीद लेता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो बाद में उससे बोर हो जाता है, तो वो कुछ अब उसको ख़रीदने के बाद उसको पहनने के बाद वो कुछ और दूसरे फैशन को फैशन की डिमांड रखता है या कुछ और सोचता है कि कुछ और इससे अच्छा या कुछ और इससे हटके डिज़ाइन हो, तो फिर वो उस पहले वाले डिज़ाइन को ना पहन एक तरीके से उसको नहीं पहनता, यानी कि उसको ना पहनना या उससे बोर हो जाना है, क्योंकि देखिए एक ही फैशन को आप कंटिन्यू अप्लाई करते हो पहनते हो देखते हो हर जगह, तो कहीं ना कहीं उस फैशन से बोर भी हो जाते हो या उसका फैशन आउट हो जाना फैशन साइकिल कहलाता है, कि एक फैशन किस तरीके से उठता है किस तरीके से पॉपुलर होता है किस तरीके से वो और उसमें उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती है और फिर वो किस तरीके से एक तरीके से उसकी किस तरीके से उसकी पॉपुलैरिटी गिरने लगती है और किस तरीके से वो मार्केट में या लोगों द्वारा रिजेक्ट हो जाता है, तो ये एक तरह की फैशन साइकिल होती है। जिस प्रकार से फैशन मार्केट में विभिन्न चरणों से गुजरते हुए बदलता है उसे फैशन साइकिल कहते हैं। देखिए फैशन साइकिल एक ऐसा चक्र है जो पब्लिक द्वारा फैशन के रिजेक्शन या स्वीकारने को प्रदर्शित करता है, क्योंकि एक फैशन साइकिल ही निर्भर करती है कि वो जो लोगों द्वारा कितना अपनाया गया है, कितनी जल्दी वो अपनाया गया, कितनी जल्दी वो पॉपुलर हुआ और कितनी जल्दी वो रिजेक्ट हो गया, तो ये उसकी फैशन साइकिल पर निर्भर करता है। तो एक पॉपुलर फैशन साइकिल पूर्ण रूप से रिजेक्ट तब होता है जब फैशन स्टाइल हर व्यक्ति के पास उपलब्ध हो जाता है, यानी कि वो फैशन या वो स्टाइल हर एक व्यक्ति के पास उपलब्ध होने लगता है, तो और वे उसी से बोर होने लगते हैं तथा दुकानदारों की जो शॉप पर काफ़ी मात्रा में दिखाई देते हैं, यानी कि उनकी डिमांड कम होने लगती है, उनकी मांग बहुत कम होने लगती है तथा दुकानदारों तो पुराना होकर जो गारमेंट होता है वो पुराना होकर आउट फैशन होने लगता है, और क्योंकि देखिए जब लोगों हर व्यक्ति के पास एक फैशन होगा या हर एक जो फैशन में है ट्रेंड में है वो गारमेंट है, तो क्या होगा कि वो हर एक व्यक्ति के पास होगा, तो उसके बाद लोग जो होते हैं वो बोर हो जाते हैं उस फैशन से या उन्हें लगता है कि कुछ और आगे फैशन में आना चाहिए, तो क्या होता है कि फिर वे लोग उस फैशन को दोबारा नहीं खरीदते, तो वो क्या होता है वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है। तो एक फैशन साइकिल के चलते रहने के दौरान फैशन विभिन्न स्टेजेस से होकर के गुजरता है, यानी कि उसकी बहुत सारी स्टेजेस आती है कि जिस तरीके से वो विभिन्न चरणों से होकर के गुजरता है, तो सिर्फ डिज़ाइन या स्टाइल ही नहीं बल्कि विभिन्न स्टाइल फीचर, यानी कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई गारमेंट स्टाइल या कलर ही हो उसमें, कोई हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो जैसे कि स्टाइल फीचर यानी कि जैसे हमारा कलर हुआ फैब्रिक टाइप हुआ, यानी कि जो हमारा फैब्रिक है किस प्रकार का फैब्रिक है, उसकी जो फैब्रिक की क्वालिटी है किस प्रकार की है, फैब्रिक में इलास्टिसिटी है या नहीं है, या एब्जॉर्बेंसी का जो प्रॉपर्टी होती है वो है या नहीं है, या फैब्रिक का जो टेक्स्चर होता है कि इस टेक्स्चर का गारमेंट ज़्यादा फैशन में है, तो या फिर हमारा स्लीव जो हमारी स्लीव्स होती हैं, क्योंकि देखिए स्लीव्स भी बहुत हमारी जो होती हैं वो भी कई टाइप्स की होती है, तो ये क्या है ये आदि भी इस फैशन साइकिल से ही होकर के गुजरता है। तो जो हमारी फैशन साइकिल होती है एक फैशन साइकिल में निम्न अवस्थाएं आती हैं, तो जो हमारी फैशन साइकिल है फैशन साइकिल की जो अवस्थाएँ हैं या जो स्टेजेस हैं उसकी पांच प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज, यानी कि जब कोई स्टाइल या कोई गारमेंट मार्केट में आता है, यानी कि सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन होता है कि इस तरह का गारमेंट मार्केट में आ रहा है। फिर आती है उसकी राइज स्टेज, यानी कि वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है लोगों द्वारा अपनाया जाता है।
फिर आती है उसकी पीक स्टेज, यानी कि वो अपनी पूरी पॉपुलैरिटी की स्टेज पर आ चुका होता है, बहुत लोगों द्वारा अपनाया जाने लगता है ना। तो वो मतलब एक तरह की हाई पॉपुलैरिटी आ जाती है उसकी, कि उसकी डिमांड बढ़ने लगती है उस फैशन की, वो अपनी पूरी हाई कह सकते हैं अपनी बहुत ऊंचे लेवल पर उसकी डिमांड आने लगती है। फिर आती है हमारी डिक्लाइन स्टेज, यानी कि कहीं ना कहीं वो ख़रीदा भी जाता है, और या उस कह सकते हैं कि उसकी डिमांड जो है कम हो जाती है ना। फिर आती है हमारी रिजेक्शन स्टेज, यानी कि वो जब हर व्यक्ति उसको अपना लेता है, पहन लेता है, बोर होने लगता है, तो वो एक तरह का आउट ऑफ फैशन हो जाता है, तो उसका रिजेक्शन हो जाए, यानी तरह के रिजेक्ट होने लगता है वो, फिर उसको कोई भी व्यक्ति ख़रीदना नहीं पसंद करता। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है फैशन या फैशन साइकिल, तो इसकी जो आगे जो ये फैशन साइकिल की जो स्टेजेस है, इसको मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।